सवाल नंबर एक, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का क्या तरीका होता है। सवाल नंबर दो, इंटरनेट से पोर्न मूवी देखने वालों में बढ़ोतरी कैसे हुई है। सवाल नंबर तीन, भारत में इंटरनेट की स्पीड कितनी है। सवाल नंबर चार, इंटरनेट का सेक्स लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। सवाल नंबर पाँच, 5G इंटरनेट की स्पीड कितनी होती है। सवाल नंबर छः, मोबाइल में इंटरनेट नहीं चले तो क्या करना चाहिए। सवाल नंबर सात, इंटरनेट क्या है और कब से आरंभ हुआ था। सवाल नंबर आठ, इंटरनेट से रोजगार पर क्या असर पड़ा है। सवाल नंबर नौ, इंटरनेट कैसे काम करता है। सवाल नंबर दस, इंटरनेट कितने प्रकार के हो सकते हैं। सवाल नंबर ग्यारह, इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर 12, भारत में इंटरनेट सेवा कब आरंभ हुई थी। और सवाल नंबर 13, इंटरनेट के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सवालों का जवाब और भी जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.sth1912.com पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 8, इंटरनेट क्या है और कब से आरंभ हुआ था। दरअसल इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह नेटवर्क कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता, अपितु इसमें बहुत से सर्वर जुड़े होते हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियों के अधीन होते हैं। संक्षिप्त रूप में अगर इसकी बात की जाए तो इंटरनेट नेटवर्कों का एक ऐसा जाल है जो लोगों तथा कंप्यूटर को विश्व स्तर पर एक साथ जोड़ता है। दरअसल इंटरनेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेट में किसी भी एजेंसी का कंट्रोल नहीं है। दरअसल मूलतः इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका की सेना के लिए किया गया था। शीत युद्ध के समय अमेरिका सेना एक अच्छी बड़ी विश्वस्तरीय संचार व्यवस्था चाहती थी। 1969 में एप्रानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो चार कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। 1974 में एप्रानेट को सामान्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया जिसे टेलनेट के नाम से जाना गया। 1990 में एप्रानेट को समाप्त कर दिया गया तथा नेटवर्क और नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना रहा। सवाल नंबर दो, इंटरनेट कैसे काम करता है। दरअसल इंटरनेट सबसे पहले सैटेलाइट के माध्यम से चलाया जाता था, लेकिन अब यह तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें डेटा भी स्लो लोड होता था। आज दुनिया ऑप्टिकल फाइबर केबल तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। यह बात सच है कि दुनिया में 8 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल को समुद्र में बिछाया गया है जिसके माध्यम से इंटरनेट का 90% हिस्सा इस्तेमाल होता है। समुद्र में वही ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाते हैं जिनमें कम नुकसान और कम लागत आती है। क्योंकि केबल को समुद्र में बिछाया जाता है जिसमें बड़े बड़े जहाज भी चलते हैं और कभी कभी जहाज के लंगर से भी ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं जो 24 घंटे समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल की निगरानी करती है। यदि कहीं किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल में नुकसान होता है तो यह टीमें उसको जल्द से जल्द ठीक कर देती हैं। सवाल नंबर तीन, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का क्या तरीका होता है। दरअसल मोबाइल में इंटरनेट की स्पीड कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यूजर्स की कैपेसिटी के मुकाबले कम बैंडविड्थ का उपलब्ध होना या फिर गलत APN का उपयोग करना या आपके मोबाइल में अच्छे और फास्ट इंटरनेट सपोर्ट करने वाले हार्डवेयर का न होना। मोबाइल में इंटरनेट स्पीड कम होने के यह सभी प्रमुख कारण होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त वाईफाई से इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान और आम तरीका है राउटर को रिबूट करने का। ऐसा करने से अक्सर कनेक्शन से जुड़ी कई समस्याएं हल हो जाती है। अगर राउटर रिबूट करने के बाद भी स्पीड नहीं बढ़ती तो आपको मूवी स्ट्रीम गेम खेलना और एंटरटेनमेंट की दूसरी चीज़ें देखना कम करनी होगी। जो काम जरूरी है पहले वो करें, ऐसा करने से स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि इंटरनेट बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर सर्च नहीं होगा। सवाल नंबर चार, इंटरनेट से रोजगार पर क्या असर पड़ा है। दरअसल मैकेजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था में वर्ष 2025 तक 6 से 6.5 करोड़ रोजगार अवसर पैदा होंगे, वहीं इसकी वजह से संकट में आई 4 से 4.5 करोड़ परंपरागत नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। इसमें कोई दोराई नहीं है कि दुनिया भर में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते कई क्षेत्रों में रोजगार तेजी से ख़त्म हो रहे हैं। सवाल नंबर पाँच, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर होता है। दरअसल इंटरनेट असीमित जानकारी प्रदान करता है जिसे हर कोई देख सकता है, जबकि इंटरनेट सीमित होता है। इसमें डाटा संगठन के भीतरी प्रसारण होता है। इंटरनेट सभी को पहुंच प्रदान करता है जबकि इंटरनेट सभी को पहुंच प्रदान नहीं कर सकता। इंटरनेट की तुलना में इंट्रानेट ज़्यादा सुरक्षित होता है। सवाल नंबर छः,
5G इंटरनेट की स्पीड कितनी होती है। दरअसल CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार 5G नेटवर्क आने के बाद अभी मौजूदा 4G LTE से कम 10 गुना तेज़ इंटरनेट स्पीड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट स्पीड सिर्फ 10 गुना ही तेज़ होगी, जबकि इसमें 100 गुना तेज़ स्पीड तक का इजाफा हो सकता है। अगर पूरी मूवी डाउनलोड करने के हिसाब से देखें तो सिर्फ 10 सेकेंड में ही पूरी मूवी डाउनलोड हो जाएगी, और अभी 2 घंटे की फ़िल्म डाउनलोड करने में करीब 7 मिनट तक समय लगता है। इसके अलावा 4G की अधिकतम स्पीड जहां 1 Gbps की है, तो वहीं 5G की अधिकतम स्पीड 20 Gbps यानी 20 GB प्रति सेकंड तक की होगी। इससे कनेक्टिविटी भी काफ़ी बेहतर होने वाली है। सवाल नंबर 7, भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई थी। दरअसल भारत में इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ की गई थी। सवाल नंबर 8, इंटरनेट का सेक्स लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल वैसे तो लोगों की आम राय यही है कि इंटरनेट बढ़ने की वजह से पोर्न की उपलब्धता बढ़ रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है। वैज्ञानिकों की माने तो पिछले कुछ सालों में सेक्स में लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है, और इस कमी के लिए वैज्ञानिक इंटरनेट और मॉडर्न लाइफ की व्यवस्था को दोष दे रहे हैं। सवाल नंबर 9, भारत में इंटरनेट की स्पीड कितनी होती है। दरअसल ओखला की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट की स्पीड औसतन 12.07 Mbps है, जबकि यही स्पीड वैश्विक स्तर पर 35.26 Mbps है, और डाउनलोडिंग ही नहीं अपलोडिंग स्पीड का औसत भी भारत में 4.31 Mbps है, जबकि यही स्पीड वैश्विक स्तर पर 11.22 Mbps है। सवाल नंबर 10, मोबाइल में इंटरनेट नहीं चले तो क्या करना चाहिए। दरअसल स्लो इंटरनेट या नेट ना चलने की दशा में आप अपने फ़ोन में सेव की गई APN सेटिंग को रीसेट करें और इसे डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करें, या फिर आप कस्टमर केयर के पास कॉल या SMS करके APN सेटिंग को मंगवाएं और उसे इंस्टॉल करें। सवाल नंबर 11, इंटरनेट से पोर्न मूवी देखने वालों में बढ़ोतरी कैसे हुई है। दरअसल देश में जिस तरह से इंटरनेट की पैठ बढ़ती जा रही है, उसी रफ्तार से पोर्न भी लोगों के बीच अपनी पहुँच बना रहा है। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन पर पोर्न देखने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 में मोबाइल फ़ोन के जरिए देश के 89% लोगों ने पोर्न देखा है। इससे पहले साल 2017 में देश में पोर्न देखने वालों का यह आंकड़ा 86% था, जिसमें 2 साल के भीतर 3% की बढ़ोतरी भी हुई है। सवाल नंबर 12, इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं। दरअसल इंटरनेट कनेक्शन को 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, डायल अप कनेक्शन। जब किसी टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल कर कंप्यूटर में इंटरनेट सेवाएँ प्रदान की जाती है, तब वो काम डायल अप कनेक्शन के जरिए होता है। नंबर 2, ISDN कनेक्शन। यह डायल अप कनेक्शन की तुलना में बेहतर और अधिक महंगा होता है, लेकिन डायल अप कनेक्शन की अपेक्षा इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। नंबर 3, लीड्स लाइन कनेक्शन। एक टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर और IP सर्वर के जरिए जुड़ा होता है। इस प्रकार के कनेक्शन का उपयोग 24 घंटे 365 दिन किया जा सकता है। नंबर 4, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। इस कनेक्शन में भी इंटरनेट को कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए टेलीफोन के तार का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, वायरलेस कनेक्शन। इस प्रकार के इंटरनेट में यूज़र को बिना किसी टेलीफोन तार के इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाती है। नंबर 6, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन। इस तरह का कनेक्शन सैटेलाइट की मदद से स्थापित किया जाता है। नंबर 7, मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर और जानकारी सर्च करने के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 14, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। इंटरनेट के फ़ायदे। नंबर 1, इंटरनेट की मदद से आसानी से हम घर बैठे अपने सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। इंटरनेट पर हम क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की मदद से कुछ ही मिनटों में बिजली, टेलीफोन, DTH या ऑनलाइन शॉपिंग के सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। नंबर 2, भले ही आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, एक जगह से दूसरी जगह कई प्रकार की जानकारियाँ या सूचना कुछ ही सेकेंड में भेज और प्राप्त कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉल कर सकते हैं और साथ ही कई प्रकार के अन्य फाइल भी भेज सकते हैं। नंबर 3, कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों के लिए घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से काम करने की सुविधा देती हैं।
कई ऐसी ऑनलाइन मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनियां हैं जिसके कर्मचारी अपने घर पर ही लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग का काम करते हैं। नंबर 4, अब लोगों को बार बार दुकान जाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आप घर पर बैठे इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और बिना कोई मोलभाव किए सस्ते दामों में सामान खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की मदद से आज सिर्फ आप सामान नहीं खरीद सकते बल्कि आप चाहे तो अपने परिवार और रिश्तेदारों को गिफ्ट भी भेज सकते हैं। नंबर 5, जैसे कि हम जानते हैं कि अब इंटरनेट घर घर में अपनी जगह बना चुका है, इसलिए इंटरनेट के माध्यम से अगर आप चाहे तो अपने व्यापार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। विश्व की सभी बड़ी कंपनियां अपने व्यापार को और आगे ले जाने के लिए इंटरनेट की मदद ले रही हैं। विश्व के सभी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग और वेबसाइट की मदद से अपने व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे विश्व भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 6, अब नौकरियों के लिए आवेदन और जानकारी प्राप्त करना भी बहुत आसान हो गया है। अब आप आसानी से घर बैठे जॉब पोर्टल वेबसाइट की मदद से किसी भी नौकरी के विषय में जान सकते हैं और उनके वेबसाइट पर जाकर नौकरियों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। नंबर 8, धीरे धीरे इंटरनेट पर फ्रीलांसर बढ़ते जा रहे हैं जो फ्रीलांसिंग के माध्यम से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग का अर्थ होता है इंटरनेट पर अपने कौशल का इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमाना। आज इंटरनेट पर लोग वेबसाइट बनाकर, ऑनलाइन सर्वे, एफिलिएटेड मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके और कई अन्य तरीकों से घर बैठे पैसे कमा ले रहे हैं। नंबर 9, इस दुनिया में और इस युग में अब इंटरनेट घर घर में मनोरंजन का साधन बन चुका है। खाली समय में हम इंटरनेट की मदद से गाना सुन सकते हैं, फिल्में और टेलीविज़न पर भी देख सकते हैं। साथ ही हम ऑनलाइन अपने दोस्तों से सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर भी चैट कर सकते हैं। अब हम आपको इंटरनेट के नुकसान भी बता देते हैं। नंबर 1, जो लोग इंटरनेट को अपने ऑफिस के काम के लिए और जानकारी लेने के लिए उपयोग करते हैं उनके लिए तो इंटरनेट बहुत लाभकारी होता है, परंतु जो लोग बिना किसी मतलब इसे अपनी आदत बना लेते हैं उनके लिए यह समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। इंटरनेट को समय के अनुसार उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, इंटरनेट का कनेक्शन तभी लेना चाहिए जब हमें इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि लगभग सभी इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियाँ इंटरनेट का भारी चार्ज लेती हैं। अगर आपको इंटरनेट की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती तो आप कोई प्रीपेड इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं जिसकी मदद से आप जब चाहे तब रिचार्ज करवाकर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3, इंटरनेट का संचार क्रांति पर बहुत तेज़ असर पड़ता है, इसलिए लोग अपने किसी दुश्मन या जिसको बदनाम करना चाहते हो उनके विषय में ऑनलाइन गलत प्रचार करके शोषण और अनुचित लाभ उठाते हैं। साथ ही इंटरनेट पर कई ऐसे वेबसाइट हैं जिन पर अश्लील चीज़ें हैं जिनके कारण कम उम्र के बच्चों को गलत शिक्षा मिल रही है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि आप जिन भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं उनमें से लगभग 50-60% कंपनियाँ आपके निजी जानकारियों को बेचती है या उनका दुरुपयोग करती हैं। कुछ लोग इंटरनेट की मदद से आपकी जानकारी ज़रूरी जो होती है उसको हैक कर सकते हैं। नंबर 5, इंटरनेट से लोगों की निजी जानकारियाँ और ईमेल आईडी को चुराकर कई धोखेबाज कंपनियाँ झूठे ईमेल भेजती हैं जिनमें वो उन्हें ठगते हैं। उन्हीं ईमेल का रिप्लाई भेजें जिनकी आपको आवश्यकता है। अनजाने ईमेल को तुरंत स्कैम लिस्ट में भेज दें या फिर डिलीट कर दें। कुछ भी ईमेल के लिंक से न खरीदें, हमेशा किसी बड़ी शॉपिंग वेबसाइट पर सीधे जाकर सामान खरीदें। नंबर 6, इंटरनेट से स्वास्थ्य पर कई प्रकार के बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे वजन बढ़ना, पैरों और हाथों में दर्द होना, आँखों में दर्द और सूखापन आना, मानसिक तनाव, कमर में दर्द आदि। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।